हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा एपिसोड 8 जरा एक दो दिन के बाद अपलोड करना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत जरा नासाज थी। अभी एक दो तीन एपिसोड अपलोड करूंगा मैं, उसके बाद और दो तीन दिन जरा मुझको हॉस्पिटल जाना है, वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए सोचा क्यों ना डायमंड्स के ऊपर एक और एक एपिसोड बना दिया जाए। दोस्तों, जो पत्थर कांच की तरह साफ हो, उसके अंदर क्रिस्टलिटी, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्वार्ट्ज, उर्दू में बिलोर कहते हैं। अगर ऐसा कोई कांच की तरह पत्थर आपको मिलता है, उसको कटिंग करने के बाद उसके कैरेट को देखा जाए, देखने के बाद उसी को हीरा कहा जा कहते हैं। जो पत्थर ग्लास की तरह, कांच की तरह साफ होता है, नेचुरल ग्लास कांच की तरह होना चाहिए। जब हीरा जमीन से निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी होती है। बहुत सारे लोग हीरे को देख के भी उसको आम पत्थर, एक लोकल पत्थर समझने लगते हैं। दोस्तों, हीरे के लिए हमारा हिंदुस्तान सारी दुनिया में पहले भी मशहूर था और अभी भी कुछ मशहूर है। कुछ कुछ जगह पे निकलते हैं हीरे, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में निकाले जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हीरे, इंडिया के हीरे सारी वर्ल्ड में मशहूर हैं और रशिया में भी हीरे काफी निकलते हैं। दोस्तों, हीरे की परख होना हर इंसान को जरूरी है, क्योंकि हीरा जो है जमीन से जब निकाला जाता है तो उसकी क्वालिटी, उसका कैरेट, उसको पहचानने वाले आदमी, जो आदमी पहचान सकता है वही आदमी उसको कट करा के उसको हीरा बना सकता है। हर आदमी इसको जो है पहचानना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमी होती है। दोस्तों, हमारा आंध्रा, तेलंगाना, ये भी सारे वर्ल्ड में मशहूर है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों में और आंध्र प्रदेश में भी एक जगह है जहां पे वज्रा करोर के नाम से मशहूर है, वहां पे हीरे मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरे मिलते हैं, उसको बहुत सा तलाश करना पड़ता है। मैंने तो जो है आपके सामने इतने सारे ही रिसर्च करके आपके सामने रखा है, पूरे पत्थरों को, हीरों को, डायमंड्स को, आप लोग देख सकते हैं। डायमंड्स के लिए और जितनी भी नॉलेज होना है आप मेरे कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे पत्थरों के ऊपर हमको एपिसोड बनाना है। मेरी तबीयत चूंकि बहुत खराब थी इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर सका, इसलिए सोचा डायमंड्स के ऊपर एक और एक एपिसोड बना दिया जाए। दोस्तों, डायमंड्स के लिए चार चीजों का होना जरूरी है, उसकी क्रिस्टलिटी, क्लियरिटी, कैरेट और उसका कलर। कुछ जो रेयर हीरे डायमंड्स होते हैं, जैसे येलो कलर में या पिंक कलर में होते हैं, उसकी भी बहुत वैल्यू है दुनिया में, मार्केटिंग में, मार्केटिंग प्राइस उसका भी बहुत सा होता है जो कलर में मिलते हैं। बस ब्लू डायमंड्स भी है, जैसे होप है, तो ऐसे डायमंड्स भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं लोगों को, बस तलाश करने वालों की जरूरत है। लेकिन कोहिनूर की तरह के डायमंड्स आज भी हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, बस इसको तलाश करने वालों की जरूरत है। अब मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो 50 कैरेट से लेके 100 कैरेट से लेके जो है 10 कैरेट तक के भी है, 5 कैरेट तक के भी है। इसमें छोटे बड़े हर साइज के होते हैं। बस आप लोगों को बताना हमारा मकसद था। ये हमने, लोग कहते हैं कुछ लोग के कोयले की खान से हीरा निकलता है, ये बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि हीरा किसी भी जमीन पे आपको मिल सकता है, कोयले की खान से भी मिलता है, लेकिन वो बहुत कम।
लेकिन हीरा हमारे तेलंगाना हैदराबाद के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं, लोगों को मालूम नहीं है, जिन लोगों को मालूम है वो लोग तलाश करके बराबर इसको निकालते हैं गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों में, जैसे हमारे आंध्र प्रदेश में गुंटूर के एरिया में मिलते हैं, कर्नूल के एरिया में मिलते हैं, खेतों में भी बार बार दफा किसानों को मिल जाते हैं। बस इसको तलाश करने वालों की जरूरत है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग उनको बराबर उसका जो है बदला मिलता है उनको, जो लोग जैसा मेहनत करेंगे उनको उसका बदला मिलता है दुनिया में। अगर आप लोग भी ये फील्ड में आना चाहते हैं या हमसे मालूमात लेना चाहते हैं तो आप लोग भी जो है आ सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर हमको एपिसोड बताना है, लेकिन चूंकि मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी इसीलिए मैंने फिर एक बार डायमंड्स के ऊपर ही वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैंने जैसा शुरू में आपको बताया कि जो रेड डायमंड्स होते हैं वो ब्लू होते हैं, कुछ कुछ पिंक डायमंड्स भी होते हैं, लेकिन वाइट डायमंड ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में। ब्लैक डायमंड की भी बहुत वैल्यू है दुनिया में। तो अब इसको निकालने के बाद इसको कट कैसा किया जाता है, उसकी फिनिशिंग कैसी होती है, ये सब जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा हम डायमंड्स के कलेक्शन के अलावा हमारे जो बॉलीवुड के हम जो नए सॉन्ग्स बनाने वाले हैं वो भी आप लोगों के सामने बताए जाएंगे, और दूसरे एपिसोडों के बारे में भी मैंने कहा था इससे पहले कि हॉरर एपिसोड रियल हॉरर एपिसोड्स भी आप लोगों को बताए जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज बताते जाना है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा दिखा तो लाइक करिए, क्योंकि हमारे पास को जो भी चीज आप लोग देखते हैं वो इसमें एक भी फेक नहीं होता है, हम कोई फेक चीज और डुप्लीकेट चीज हम किसी को नहीं बताते, हम जो भी बताना है रियल चीज ही आप लोगों के सामने लेके आते हैं, और रियल चीज आपको बताना मकसद है हमारा। आप लोगों को जो लोग नौजवानों को हमारा मकसद है नए नए साइंस की टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में नई नई बातें बताना हमारा मकसद है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक भी करिए, क्योंकि हम बहुत सारी अच्छी मालूमात आप लोगों के वास्ते लेके आने वाले हैं। अभी दो दिन के बाद मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि जरा मेरी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल को जाना है मुझको। उसके बाद आने के बाद फिर मैं नए एपिसोड आप लोगों के सामने बेहतरीन एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मेरी तबीयत जरा खराब है, मेरे को दो तीन दिन के लिए हॉस्पिटल जाना है, मंडे या ट्यूसडे मुझको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों के सामने जो है नए वीडियोस लेके आऊंगा अच्छे से अच्छे। अभी एक दो तीन एपिसोड में अपलोड करके जो है बाद में हॉस्पिटल को जाने वाला हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करें और जो है हमारी सेहत के लिए दुआ करें, आप लोगों की दुआओं की भी जरूरत है हमको। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मैं अच्छे एपिसोड आप लोगों के लिए बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और हमारे लिए दुआ करिए, बस इतना अहम बातें कहना था। आने के बाद और अच्छी से अच्छी चीजें आपको बताऊंगा मैं, और अच्छे अच्छे स्टोन्स के ऊपर बात करेंगे, अच्छे अच्छे स्टोन्स आपके सामने लेके आएंगे। बस इतना आप लोगों से कहना था कि हमको हमारे देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।